ओके रसिक, हमने ट्रेलर देखा, बहुत अच्छे किरदार नजर आ रहे हैं, बहुत अच्छा ट्रेलर बना रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू उम्मीद है कि सबको ट्रेलर पसंद आए और लोग ना सिर्फ ट्रेलर देख कर खुश हो जाएं लेकिन हॉल आए और टिकट खरीदें और हमारी पिक्चर देखें. आई थिंक हामिद इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एंड इनोसेंट फिल्म एंड टोल्ड अ स्टोरी टोल्ड फ्रॉम अ चाइल्ड्स पर्सपेक्टिव अबाउट अ कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन. सो मेरे ख्याल से दिस इज़ द काइंड ऑफ पीसफुल फिल्म दैट वी नीड इन टुडेज़ टाइम्स. सो प्लीज़ कम टू द थिएटर्स टू वॉच हाउ. मेरे किरदार का नाम है इशरत, वो हामिद की मदर हैं. और फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि इशरत इशरत के हस्बैंड मिसिंग हैं, तो इसलिए वो उस ग्रीफ से डील करने की कोशिश कर रही है. और उस इस ग्रीफ की वजह से हामिद और इशरत के बीच में भी एक दरार आ गई है. और वो अपने हस्बैंड को खोजने में इतनी ऑब्सेस हो गई हैं कि शायद अपने बच्चे को इग्नोर कर रही हैं. और फिल्म के दौरान हम देखते हैं कि हामिद अपने फादर को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन साथ ही साथ अपने अपनी माँ का प्यार वापस लाने की कोशिश भी कर रहा होता है. मुझे नहीं लगता कि फिल्म्स किसी मैसेज के लिए होनी चाहिए, लेकिन अगर उसे देखकर कोई एक चीज़ ले ये मैसेज ले जाए अपने साथ तो अच्छी बात है. लेकिन मुझे लगता है कि ऑडियंस, जब हम फिल्में बनाते हैं या फिल्मों में काम करते हैं, तो हमारा इंटेंशन ये होना चाहिए कि हम ऑडियंस को अपने किरदार से कनेक्ट करवा पाएँ, ऑडियंस को अपनी स्टोरी से कनेक्ट कर पाएँ. हमारा टास्क इतना ही होना चाहिए, हमारा इंटेंशन इतना ही होना चाहिए. अगर ऑडियंस उससे ज़्यादा घर ले जाए या कोई मैसेज ले जाए अपने साथ, और क्या मैसेज ले जाए ये उनके ऊपर है. आप क्या मतलब एग्जैक्टली आप क्या पूछ रहे हैं? जिस तरीके से जो आजकल देश में माहौल चल रहा है वो फिल्म भी उसी कश्मीर के ऊपर बेस्ड है, तो आपका क्या रिएक्शन है इसके ऊपर, आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि दिस फिल्म कैन रियली बी अ जेंटल कॉन्वर्सेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टुडेज टाइम्स. थैंक यू. क्या हुआ, क्या हुआ, आधा रहा क्या?